आपके घर कोई भंडारा है, बच्चों का विवाह है और उसमें बनाए हुआ भोजन कम ना पड़े, मिट्टी के सकोरे में घी का दिया जलाना और भगवान गणेश और मां जगदम्बा की तस्वीर रखना, उनके सामने दिया जला देना, एक लुटिया में पानी रख देना, जहां तुमने बनाया हुआ भंडारे का प्रसाद जहां रखा है, हमारे गांवों में इसको भतौर बोलते हैं, भतौर, जहां सब सामान बना के रख दिया जाता है। अभी देसी बातें भी मुझे बतानी पड़ती हैं आपको, उसको भतौर बोलते हैं। तो वहां पर दिया जला दीजिएगा, चार बत्ती वाला दिया जलाइए, जिसको चौमुखा दिया कहते हैं। ये श्री बढ़ाने के लिए बड़ा विशेष है, जब जब दिवाली आती है चौमुखा दिया जलाएं। अमावस्या को पूरी रात भर दिया तिल के तेल का जलने दो। आप ये कहोगे कि महाराज आनंद आ गया, आप हमें जीवन में भूल नहीं पाओगे कभी। हर अमावस्या को पूरी रात भर तिल का दिया जलने दो, चौमुखा दिया, आप देखें आपके घर का वंश स्रोत कैसे बढ़ता है, आपके घर में कितना सुखद होगा। चिल्ला रहे हैं पितृदोष, काय का पितृदोष है, पूर्वजों को तृप्त कर दो, इन सब चीजों से उन्हें तृप्ति मिलती है, उन्हें आनंद मिलता है। घर का बर्तन कभी रात को खाली मन छोड़िएगा, ये मैं गरुण पुराण में बताऊंगा बातें। अब के बार बड़ा विशेष रूप से गरुण पुराण होगा, पिछले साल तो पहली बार किया था ना, जो कमियां रह गई होंगी अब की बार सबको पूरा कर देंगे, पहला था वो। और अब के बार हाथ उठा के बताइए कि मेहंदी लगा के हाथों में कितनी माताएं आई हैं। हाँ, समझ गई, ताली बजाना है, हाथ की रेखा बदल जाएगी, सुबह भी बजाया करो ताली, हंसते भी रहा करो सुबह। हाँ, सुबह खाली पेट ऐसे नाखून भी घिसा करो, बाल सफेद नहीं होंगे, लेकिन पांच सात फुलका खींच करके घिसोगे तो जितने काले हैं वो सगरे सफेद हो जाएंगे।